नमस्कार नजर पर देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जैनब। आइए देखिए आज की मुख्य खबरें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनपीटी न्यूज में। मैं परमिंदर सिंह। शुरू करते हैं आज का खास प्रोग्राम। आज हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना जफर अब्बास जी। आज हम इनको जनता से रूबरू कराएंगे। सबसे पहले तो मौलाना जफर अब्बास जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल पर दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने अच्छे मौजूद के ऊपर से मुलाकात की। यकीनन जिस सिलसिले में आप बात करने जा रहे हैं, सारी मानवता पर उनका एहसान है। मानवता की सरबलंदी के लिए उन्होंने काम किया, हम सबका फर्ज है इसके लिए समय दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। जरा ये बताएं कि ये 13 रजाब जो है, 13 रजब, इसका क्या अहमियत है इस्लाम धर्म में, इसका इसके बारे में थोड़ा सा। रजब अरबी का महीना है। पहली बात तो ये कि रजब एक बहुत पवित्र महीना है इस्लामी तारीख के अंदर, इसमें इबादत का हुक्म दिया गया है। मगर आपने 13 रजब का सवाल किया, ये भी बहुत पवित्र तारीख है। माह रजब जो है 13 तारीख, तो इसके अंदर हमारे पहले इमाम और मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत हुई है खाने काबा के अंदर। जब आप अपनी वालदा मुअज़्ज़मा के शिकम में थे, जनाब फातिमा बिनते असद की, जनाब फातिमा बिनते असद काबे की तरफ जाती हूँ और आपको कुछ आसार महसूस होते हैं जो बच्चे के होने के आसार होते हैं। आप अपने पेट को काबे की दीवार से टच करके कहती हैं, अय अल्लाह तुझको वास्ता है उस मौलूद का जो मेरे शिकम में, उस बच्चे का जो मेरे शिकम में, जो मेरे पेट में, मेरी मुश्किल को आसान फरमा। आप अल्लाह से दुआ कर ही रही थी कि खाना काबा के अंदर दरवाज़ा खुला, बिल्कुल नया दरवाज़ा, और आप उसके अंदर दाखिल हो गए। और वहीं हज़रत अली की विलादत 13 रजब को हुई है। आप 3 दिन तक खाना काबा के अंदर रही हैं। चौथे दिन हज़रत अली अलैहिस्सलाम अपनी माँ के साथ खाना काबा में थे कि रसूलल्लाह वहाँ पहुँचे हैं। आपने उनको गोद में उठाया है और सबसे पहले आपने आँखें खोल कर, यानी 3 दिन हो गए मगर आँख खोल कर देखा ही नहीं, आँख खोल कर सबसे पहले पैगम्बर हज़रत मोहम्मद का चेहरा देखा। रसूल अकरम का चेहरा देखने के बाद मुस्कुराए, बल्कि यहाँ तक मिलता है कि पैगंबर अकरम से फरमाते हैं हज़रत अली कि बताइए क्या सुनाओ, तौरे सुनाई, ज़बूर सुनाई, इंजील सुनाई। रसूल अल्लाह ने हर किताब को सुनने के बाद कहा तुमने इसके पढ़ने का हक अदा कर दिया। बल्कि यहाँ तक कहा है कि तुमने इंजील को ईसा से अच्छा पढ़ा, तुमने तौरे को मूसा से अच्छा पढ़ा, तुमने जो है कुरान के पढ़ने का हक अदा कर दिया, कुरान भी पढ़कर सुनाया एक बच्चे ने हाथ उठने पर। और आपने सबसे पहले जो आंखें खोलकर दुनिया में देखा, पैगंबर का चेहरा देखा है, खाने काबा की दीवारें देखी, ये आपकी फजीलत है। आप जो है 13 रजब को दुनिया के अंदर तशरीफ। अच्छा मौलाना साहब, ये जो आपने बताया है इसमें जरा एक चीज और बताएं कि अगर मौलाना अली जो है मोहम्मद पैगंबर हजरत साहब के जो दामाद ना होते तो इनका क्या मुकाम होता है इस्लाम में? बहुत अच्छा सवाल है आपका। बहुत से लोग ये कहते हैं सिर्फ उनके पास एक ही चीज़ है कि पैगंबर साहब के दामाद है, ऐसा नहीं है। पहली बात है दामाद क्यों ना होते, खुद पैगंबर साहब का इरशाद है, यानी नबी अकरम ने इरशाद फरमाया अपनी बेटी के लिए फातिमा के लिए कि अगर अली ना होते तो कोई फातिमा का हम पल्ला ना होता आदम से लेकर कयामत तक, यानी बस फातिमा की शादी अली से हो सकती है। पहला तो मकाम यही है कि अल्लाह ने उनको चुना ही था इसलिए। दूसरी चीज़ कि अगर पैगंबर के दामाद ना भी होते तो जो पैगंबर का खून है वही अली का खून है। दो सगे भाई हैं, एक अबू तालिब एक अब्दुल्ला। हज़रत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम से पैगंबर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम हुई, और हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम से हज़रत अली अलैहिस्सलाम। जो सिलसिला नसब, जो शजरा नबी का है वही शजरा अली का है। अब ये कहना कि अगर रिश्तेदारी ना होती तो क्या मकाम होता, तो तारीख इस्लाम बताए कि क्या मकाम है। पैगंबर ने हिजरत की, कोई सोने वाला नहीं था बिस्तर पर, अली सोए। जब जंगें हुई तो कोई उनको सर करने वाला नहीं था, अली ने बड़ी बड़ी जंगें जो है वो सर की हैं। अली ने बड़ी बड़ी जंगों के अंदर जो फतह का परचम लहराया है। हर यह कि जब सब नबी को छोड़कर भाग जाते थे तो ये अली मैदान के अंदर तलवार चलाते हुए नजर आते थे। तो ये कहते हैं कि अगर नबी से रिश्तेदारी ना होती तो अली क्या होते। हम ये कहते हैं कि इस्लाम का इतिहास लिखा ही नहीं जा सकता था अगर अली ना होते, क्योंकि अली हर जंग के हीरो, अली तारीख इस्लाम के हीरो, अली इंसानियत के हीरो। इंसानियत कामिल हो ही नहीं सकती बगैर अली।
ये वजह मशा जो आप उससे सवाल कर रहे हैं और आपका ताल्लुक जो है सिख मजहब से है और हमारे सिख भाई जो हैं वो औलिया हजरात से बड़ी मोहब्बत रखते हैं, पीरों से बड़ी अकीदत रखते हैं। जितने भी पीर हैं जिनके हम गुणगान गाते हैं इन सब का सिलसिला अली तक पहुँचता है, अगर अली ना होते तो ये महापुरुष भी ना होते, ये सब उन्हीं के सच है। धर्म में देखा जाता है कि जो कव्वालियाँ हैं उनकी क्या अहमियत रहती है, और अगर कव्वालियाँ मना है तो ये बताएं कि शिया धर्म में कव्वालियाँ क्यों पढ़ी जाती हैं, क्यों इसकी अहमियत रहती है। आपने एक अच्छा सवाल किया है, शिया मजहब में न गालियाँ हैं न तालियाँ हैं न कव्वालियाँ हैं। हमारा ताल्लुक न तालियों से है न गालियों से है न कव्वालियों से है। मजहब शिया वो है जो कुरान कहे हदीस कहे हमारे उलमा कहे मराज इकराम कहे। कव्वालियाँ जो है दरअसल पहली चीज़ तो है कि मजहब शिया के अंदर मैं आपकी नॉलेज में इजाफा करने के लिए कह रहा हूँ हराम है, ममनू है, इनका कोई कमरिया। ऐसे लोग जिनको धर्म के बारे में कुछ पता नहीं, जैसे बच्चे गलती से कर लेते हैं, जवान गलती से कर लेते हैं, वो कुछ कर लेते हैं, मगर इसका कोई हुक्म हमारे यहाँ नहीं है। हम तो कव्वाली के लिए आपसे इतना कहेंगे कि जो एक नाचने वाली औरत नाचने गाने का सामान अपने नाचने गाने में इस्तेमाल करती है सब कव्वाली में होता है इस्तेमाल। तबला भी होता है, हारमोनियम भी होता है, ढोलक भी होती है, और उसके ऊपर लोग थरकते हैं, नाचने का जज्बा पैदा होता है। तो हर वो म्यूजिक जिसे सुनकर इंसान के अंदर नाचने का जज्बा पैदा हो, थरकने लगे, उसको इस्लाम में हराम करार दिया। मगर कव्वाली में अगर जिक्र अहले बैत है तो सुनते चले, जिक्र मोहम्मद वो अली है तभी सुनते चले। हम आपसे बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह देते हैं कि कव्वाली के साथ अहले बैत का जिक्र करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे शराब पीकर अहले बैत का जिक्र करना, कव्वाली के साथ नात पढ़ना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे शराब पीकर दरूद शरीफ पढ़ना, या फिर चीज़ जायज़ नहीं हो सकती। बस इसी तरह बिल्कुल जैसे हर नाच गाना हराम है ऐसे कव्वाली बिल्कुल हराम है। अगर ऐसे कोई कर रहा है ये उसका अपना फेल है, मजहब शिया से इसका कोई ताल्लुक नहीं। तो मुस्लिम समुदाय देखा जाता है कि ये मौला अली कव्वाली पे काफ़ी मतलब कि काफ़ी इसके अंदर काफ़ी घुसते मतलब कि जो भी इसके अंदर कहते हैं कि ये करना हमारे लिए धर्म में हमारे है, तो वो सब गलत है। वो अपने हिसाब से उनके यहाँ कुछ ठीक हो तो हो। आपने मुझसे मजहब शिया के बारे में पूछा, मजहब शिया में कव्वाली की कोई गुंजाइश नहीं है, मजहब शिया में नाच कूद की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे यहाँ से इतना बताया गया है कि उस दिन यतीमों पर रहम करो, बड़ों का एहतराम करो जो हमेशा करना चाहिए, और कुरान पढ़कर उनको नजर करो और उनके सलाम की ज़रूरत पड़ी जाए, बस यही हमारे यहाँ है। इसके अलावा और कुछ नहीं, असीदा पढ़े महफिल करें। शिया धर्म के बारे में कुछ और बताएं। शिया धर्म ये कहता है कि बस सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया के अंदर अगर किसी को हुक्मरानी का हक हासिल है तो वो है जिसने हमको पैदा किया, यानी ईश्वर अल्लाह जो कि आप उसको कहें, उसके बताए हुए रास्ते के ऊपर चलते रहें। शिया मजहब जो है किसी भी किस्म के किसी को दुख पहुंचाने को या किसी को ईज़ा पहुंचाने को जायज़ नहीं मानता। वो यहाँ तक कहता है हमारे यहाँ बाकायदे मसाइल है कि इंसान तो इंसान, अगर हमारे पास वजू के लिए इतना पानी है कि हम वजू कर सकते हैं, और अगर वजू ना करें कहीं प्यासा कुत्ता है उसको पिला दें तो वजू के लिए पानी नहीं बचता, जबकि कुत्ता के नजीस जानवर है। मगर मजहब शिया कहता है, दीन इस्लाम कहता है कि तुम तयम्मुम करके नमाज पढ़ लेना उस कुत्ते की जान बचा। तो जो दीन इस्लाम जो मजहब शिया एक कुत्ते की जान निकलते हुए नहीं देख सकता, उसे तड़पता हुआ नहीं देख सकता, वो मानवता को तड़पते हुए कैसे देखे। मजहब शिया की खसूसियात है इंसानियत के ऊपर रहम किया जाए, नंगे से ना पूछा जाए तेरा मजहब क्या है उसे कपड़ा दिया जाए, बीमार से ना पूछा जाए कि तेरा मजहब क्या है उसके दवा का इंतजाम किया जाए। और यही वजह है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम तारीख के अंदर मारे तो गए हैं मगर हम किसी को मारते हुए नजर नहीं आते, हमारे घर उड़ाए जाते हैं हम किसी का घर उड़ाते हुए नजर नहीं आते, हमारी मस्जिदों में धमाके किए जाते हैं मगर हम कहीं धमाका करते हुए नजर नहीं आते। और ये हमको मिला है मोहम्मद वाले मोहम्मद के दर से कि उन्होंने हमें ऐसी शिक्षा दी है हम सब कुछ हो सकते हैं मगर आतंकवादी नहीं। प्रोग्राम में इतना ही, मैं परमिंदर सिंह।